हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कंसोल के बारे में स्टडी करी थी कि कीबोर्ड प्लस स्क्रीन मिलकर कंसोल कहलाते हैं। कंसोल को क्लासिफाई किया था फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। अब हम स्टडी करेंगे अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन फर्स्ट है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर इज़ ए सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन एंड प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। गेट कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर में ही है स्टोर होता है। गेट कैरेक्टर ऑल्सो इक्वल्स द कैरेक्टर that you type on screen but it require enter key to type। जब हम किसी कैरेक्टर को टाइप करते हैं स्क्रीन पर तो ये इको करेगा, लेकिन उसके लिए हमें एंटर की को प्रेस करने की आवश्यकता होती है। या गेट कैरेक्टर फंक्शन को जब ही रीड करेगा जब हम एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है गेट सी एच। दिस इज ऑल्सो ए सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन एंड प्रेजेंट इन कोनियो डॉट एच। यह एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है तथा कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर में यह स्टोर होता है। गेट सी एच ऑल्सो रीड द कैरेक्टर विदाउट प्रेस एंटर की। गेट सी एच जो फंक्शन है वह कैरेक्टर को रीड करेगा, लेकिन उसमें हमें एंटर की को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। गेट सी एच जस्ट रिटर्न द कैरेक्टर दैट यू टाइप विदाउट इकोइंग ऑन स्क्रीन। गेट सी एच फंक्शन कैरेक्टर को रिटर्न करेगा लेकिन स्क्रीन पर, बट वह इको नहीं करता है, जबकि गेट कैरेक्टर जो है वो इको करता है। नेक्स्ट फंक्शन है गेट सी एच ई। गेट सी एच ई प्रेजेंट इन हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। गेट सी एच ई फंक्शंस कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर में स्टोर होता है। गेट सी एच ई रीड द कैरेक्टर विदाउट प्रेस एंटर की। गेट सी एच ई कैरेक्टर को रीड कर लेता है और उसके लिए हमें एंटर की प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ई इन गेट सी एच ई मीन्स इट इकोज द कैरेक्टर दैट यू टाइप ऑन स्क्रीन। गेट सी एच ई में ई का मतलब यह होता है कि जब हम कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वह स्क्रीन पर इको करेगा। नेक्स्ट है सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शंस। पहले हमने इनपुट फंक्शंस की स्टडी करी थी, गेट कैरेक्टर, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। अब हम आउटपुट फंक्शंस की स्टडी करेंगे। पुट सी एच एंड पुट कैरेक्टर दे प्रिंट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। यह एक आउटपुट फंक्शन है तथा यह किसी कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करने के काम में आते हैं। अब स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस। स्ट्रिंग क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रिंग जो है वह शब्दों का समूह जो है वह स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स नोन एज स्ट्रिंग्स। इनपुट के लिए हम गेट एस फंक्शन का यूज़ करेंगे तथा आउटपुट के लिए हम पुट एस फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट्स फंक्शन रिसीव ए स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड। जो गेट्स फंक्शन है वह इनपुट जो स्ट्रिंग जो इनपुट लेगा वह कीबोर्ड से लेगा, और पुट्स फंक्शन है वह आउटपुट देगा स्क्रीन पर। तो गेट्स और पुट्स जो है स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं।